श्री साल महाराज की जय। तो फाइनली 7.5 घंटे के बाद रास्ता खुल गया है और आप ये रास्ते की हालत देख सकते हैं। बद्रीनाथ पत्थर गिरे बारिश की वजह से। पहुंच गए गाइस बद्रीनाथ। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त जय और स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड सीरीज के पार्ट नंबर 3 में। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी मैं हूं उत्तराखंड के एक चमोली जिले के भीमतला गांव में। एक्चुअली कल हम लोग निकले गुप्तकाशी से बद्रीनाथ की ओर, लेकिन रास्ते में लैंडस्लाइडिंग की वजह से हम लोग इधर भीमतला करके एक छोटा सा टाउन है वहाँ पे हम लोग एक होटल लेके स्टे कर दिए। अभी बजे सुबह के 9, नाश्ता पानी हो गया है और अभी इधर से निकलने वाले हम लोग बद्रीनाथ की ओर। अभी अप्रोक्सीमेटली 85 किलोमीटर है बद्रीनाथ, ठीक है। तो अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते में, क्योंकि मौसम तो आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कि बहुत एकदम सुहाना मौसम है, लेकिन डर भी इतना ही लग रहा है कि आगे बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग भी बहुत हो रहा है, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में। आज मैं दिखाता हूँ आपको बद्रीनाथ मंदिर और माना गांव भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ बोलते हैं कि वो इंडिया का पहला गांव है। सो गाइस, शाम के बज रहे 4:30 और आपको जो किसी पता है कि हम लोग भीमतला से निकले थे सुबह 9 बजे। अभी तक अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कटा है और आगे बहुत ट्रैफिक जाम है क्योंकि पत्थर गिरे है आगे। और अभी इधर से भी 80 किलोमीटर कुछ है, 70 किलोमीटर समथिंग कुछ है बद्रीनाथ। देखेंगे अभी क्या हाल है। बाकी तो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे जैसे हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरा आगे से ट्रैफिक जाम है और मौसम भी खराब ही है। देखते हैं अभी क्या हालत होती है आगे। So finally 7.5 घंटे के बाद रास्ता खुल गया है और हम लोग अभी जा रहे हैं बद्रीनाथ में। बज रहे हैं 5, ठीक है। देखिए अब रास्ता। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 6 और अभी हम लोग जोशीमठ रोड पे। इधर से बद्रीनाथ है 57 किलोमीटर। बद्रीनाथ जाते टाइम रास्ते में पड़ता है जोशीमठ, नरसिंहदेव महाराज का मंदिर है। तो हम लोग उसके तो हम लोग वहीं दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नरसिंहदेव महाराज का मंदिर जोशीमठ में। रास्ता आप देखिए इधर का बहुत जोरदार, एकदम लकड़ी के घर बने हुए इधर पीछे की साइड, एकदम ठंडा माहौल है। और हम लोग अभी बहुत ही हाइट पे है, वो मैं आपको बताऊंगा कितनी हाइट पे बद्रीनाथ जाके। बहुत ही पुराना मंदिर लग रहा है। अरे पीछे देखिए, वाह वाह, एकदम नेचर जोरदार। बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है इधर, एकदम शांति है। आपको सजेस्ट करो कि अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो रास्ते में, आप जोशीमठ से निकलते हो तो ज़रूर इधर नरसिंहदेव महाराज के मंदिर पे आइए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। पूरे रास्ते की थकावट होगी वो इधर आपको एकदम रिलैक्सेशन हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, एक नई सी सुबह में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ पांडुकेश्वर करके एक जगह है इधर, जो बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो हमने वहाँ पे पीछे दिख रहे होटल वहाँ पे मैं स्टे किया था। अभी जा रहे हैं बद्रीनाथ की ओर और अभी बज रहे सुबह के 10, ठीक है। तो बस जाते हैं आगे, दिखाऊं और दिखाता हूं मैं आपको बद्रीनाथ मंदिर। पहुंच गए गाइस बद्रीनाथ। रास्ता कुछ ऐसा है, रास्ते में छोटी छोटी शॉप बनी हुई है सब। नाश्ता पाने की दुकानें बनी हुई, शॉपिंग की दुकानें बनी हुई है और इधर से मुझे पहला व्यू दिख रहा है बद्रीनारायण महाराज का। बाकी एटमोस्फियर एक नंबर एटमोस्फियर है। दो तीन दिन से लगातार बारिश में परेशान हो गए थे हम
जब निकले वहाँ से तब पूजा स्टेशन से लेके हम लाइक गुजरात से बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो उसे हरिद्वार तक वहाँ से भी निकले, बारिश 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 थी। आज कुछ खुला एटमोसफेयर मिला है और आपको मैं करवा रहा हूँ आज बद्रीनाथ जी के दर्शन। तो इधर से आप देखिए फर्स्ट झलक हमारे बद्री विशाल महाराज की। पौराणिक मंदिर है जोरदार बद्री विशाल महाराज का। तो गाइज अभी मैं हूँ बद्रीनारायण मंदिर पे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है। उसके जो पीछे आप देख रहे हैं वो है नारायण पर्वत और ये वाला है नर पर्वत। तो जो बद्रीनाथ मंदिर है वो नारायण और नर पर्वत के बीच में है, ठीक है। बाकी तो एटमोसफियर बहुत ही सुहाना हो रहा है अभी, और आप देख रहे हैं नीचे की साइड वहाँ पे है तप्तकुंड, ये है नारायण पर्वत और ये है नर पर्वत, और इन दोनों के बीच में है अपना बद्रीनाथ मंदिर। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय हो। ठीक है, इधर गर्म पानी है, इधर आप स्नान बन कर सकते, उसके बाद आप मंदिर में आके इधर दर्शन आप कर सकते हैं। बाकी मौसम आज बहुत बढ़िया बन रहा है, ठीक है, और हमारे भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और अभी हम लोग इधर से निकलेंगे आगे लाइक माना गांव की ओर, जो बोला जाता है कि इंडिया का पहला गांव है, ठीक है, इधर से, और वहां से चाइना की बॉर्डर भी लगती है। तो अपने इधर से आगे जाएंगे माना गांव। बाकी मौसम बहुत जोरदार है। तो गाइस बद्रीनाथ से निकल के हम लोग पहुंच गए माना गांव, मेरे पीछे देख रहे हैं माना गांव। इधर से लाइक बद्रीनाथ के मतलब बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है माना गांव, आपको दिखाता हूँ मैं इधर। सो गाइस अभी हम हैं माना गांव में, ये है इंडिया का सबसे पहला गांव, ठीक है। मोदी जी ने जब विजिट किया इधर तो इस गांव को सब लोग लाइक इंडिया का लास्ट गांव बोलते थे, लेकिन मोदी जी ने अनाउंस किया कि भाई ये है इंडिया का फर्स्ट गांव। ये सब लोकल्स की दुकान है इधर, आप जो देख रहे हैं छोटी छोटी बनाई हुई। एक्चुअली ये जो लोकल्स है इधर के वो 6 महीने इधर रहते हैं, और 6 महीने रहते हैं पीछे अपने जो चमोली अपने होटल पे रुके थे, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि 6 महीने इधर जोरदार बर्फबारी होती है, तो इधर सिर्फ आर्मी वाले ही रहते हैं। और कुछ कुछ साधु संत है जो इधर मैं आपको दिखाऊंगा छोटे छोटे से लाइक घरों में, उनको भी स्पेशल परमिशन लेके इधर रहने का मौका मिलता है। बाकी तो इधर आर्मी वाले ही रुकते हैं, क्योंकि इधर जोरदार बर्फ होती है 6 महीने, और छः महीने जब लाइक बद्रीनाथ धाम के अपने द्वार खुलते हैं तब 6 महीने ये लोग ऊपर आ जाते हैं फिर इधर माना गाँव में। सो जैसा कि बोर्ड में देख सकते हैं आप, इधर भीम पुल है, सरस्वती धाम है, और केशव प्रयाग है, और इस साइड गणेश गुफा है और व्यास गुफा है। अपने चलते हैं पहले इस साइड गणेश गुफा और व्यास गुफा, आपको दिखाता हूँ मैं।
तो गाइस अभी हम जा रहे हैं व्यास गुफा और गणेश गुफा देखने के लिए। इधर भी थोड़ा ट्रैकिंग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 500-500 मीटर पे ही है सब, लाइक 500 मीटर के अंदर सब आ जाता है। ये देखिए, और ये सब लोकल्स के घर है। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, इधर लोकल्स है, जैसे मैंने आपको बताया, 6 महीने इधर, 6 महीने पीछे चमोली में। ये देखिए, और सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई है इधर गणेश जी की। और हम आ गए गणेश गुफा। ओम नमस्ते गणपताय गणानि पते नमः। अरे परिक्रमा मार्ग गणेश गुफा का। जय हो। सो गाइज, इसमें ऐसी मान्यता है कि जो पीछे है गणेश गुफा, ठीक है, सो इधर गणपति जी बैठ के लाइक लिखते थे, और ऊपर है व्यास गुफा, वहां से व्यास जी बोलते थे, और इधर गणेश गुफा है, वहां पे गणेश जी लिखते थे। लोकल्स के घर आप देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे बने हुए घर सब इधर। हम पहुंच गए अभी अपने व्यास गुफा, तो पीछे है वो ऊपर। व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा, यही है व्यास गुफा और गणेश गुफा। और माना गांव में आके इंडिया की सबसे पहली चाय की दुकान की चाय तो पीनी ही चाहिए, तो बस वही पीने बैठे अभी, आने दो चाय। सो मस्त से गणेश गुफा के दर्शन हो गए और वेद व्यास गुफा के भी दर्शन हो गए, ठीक है। इधर से हम लोग आए थे और इधर सामने की साइड है वेद व्यास गुफा, और इधर एक रास्ता आता है, इधर से हम लोग जाएंगे अभी भीम पुल की ओर। अरे देखिए पीछे जा रही है अलकनंदा नदी। अगर आप नीचे से आते हो तो ये वाला आपको रास्ता मिलेगा डायरेक्ट, और अगर आप ऊपर जाके वेद व्यास जी के दर्शन करके आते हैं, वेद व्यास गुफा गणेश गुफा के, तो फिर आपको ये रास्ते से आगे जाना पड़ेगा, बाकी रास्ता आगे ही मिलता है दोनों का। सो गाइस अभी मैं हूँ मतलब भीम पुल पे, ये वाला है भीम पुल, ठीक है, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है सरस्वती नदी, ठीक है। इधर से 200 मीटर तक आगे जाती है और फिर आगे जाके लुप्त हो जाती है, ठीक है, ऐसे इधर की मान्यता है। और ये सरस्वती माता का मंदिर, ठीक है, और वो दिख रहा है वो बड़ा सा पत्थर, वो ऑफिशियली वो भीम पुल है। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन करवाए और माना गांव के भी दर्शन करवाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में जो बनेगी हरिद्वार पे। सो गाइज तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड वन मोर थिंग गाइज, आपके माता पिता के भगवान है, सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ देम एंड पीस आउट।